नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एक और नई पुस्तक के साथ गरुड़ प्रकाशन आपके लिए लाया है, रिक्लेमिंग हिंदू टेम्पल्स। दिस इज द बुक ऑथर्ड बाय चांदनी सेन गुप्ता। आज हमारे साथ में चांदनी सेन गुप्ता जी हैं, जो इस पुस्तक की लेखिका हैं। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर नामी बेस्ट सेलर ऑथर हैं, आशीष कौल जी। नमस्कार आशीष कौल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बहुत हमारे बहुत साथ आभार आपका अंकुर श्री जी, थैंक यू वेरी मच। जी श्री हमारे साथ हैं श्री प्रफुल्ल केतकर जी, जो कि ऑर्गेनाइजर के चीफ एडिटर हैं। और चांदनी सेन गुप्ता जी, इस पुस्तक को लिखने में उनको उनको जो रिसर्च लगी है, उनको जो समय लगा है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। प्रफुल्ल केतकर जी का भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। किसी कारण से, नेटवर्क इशू के कारण, शायद उनका वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी आज की लेखिका चांदनी सेन गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि वह हम सभी को इस पुस्तक के विषय में कुछ बताएं। धन्यवाद अंकुर जी। इस पुस्तक के बारे में आई विल ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल। मैं हिंदी में भी बोलूंगी और अंग्रेजी में भी बोलूंगी। बिल्कुल इनफैक्ट मैं आई विल बिगिन विद यू नो एक्सटेंडिंग माय हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टू ऑल द एसटीएम डिग्नेटरीज प्रेजेंट हियर। इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर सच ल्यूमिनरीज टू लॉन्च माई बुक। एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू गरुड़ा प्रकाशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस लॉन्च। एंड यू नो द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम गरुड़ा हैज बीन एक्सीडिंगली हेल्पफुल। इन फैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिशर्स टू बैक ऑथर्स हु यू नो हु वुड लाइक टू डू समथिंग ऑफ बीट लाइक दिस। मैं शुरू से शुरुआत करूंगी इन द सेंस दैट मतलब इस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा था लेडी श्री राम कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द मैनर इन विच हिस्ट्री इज टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, इन आर कंट्री, हैज ऑलवेज इंट्रीग्ड मी कि इस हिस्ट्री को, इतिहास को इस ढंग से क्यों पढ़ाया जाता है। मतलब हम अपने ही इतिहास को कलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक दूसरी आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ते हैं। सो एनसीईआरटी की बुक्स आप देखिए या आप यू नो कॉलेज की किताबें देखिए, एक अलग ही पर्सपेक्टिव है जिससे हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। सो एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आई वॉज इन फैक्ट टोल्ड दैट द वर्क्स ऑफ जदुनाथ सरकार, स्कॉलर्स लाइक ए एल श्रीवास्तवा, ईश्वरी प्रसाद एंड अदर नेशनलिस्ट स्कॉलर्स आर आउटडेटेड एंड दे आर यूजलेस। तो ये हमें यू नो कॉलेज में बताया गया था कि हमें सिर्फ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस पे एम्फिसाइज करना है, उनकी किताबें पढ़नी है एंड दैट वी डोंट हैव टू स्टडी दीज नेशनलिस्ट स्कॉलर्स। इन फैक्ट द वर्क्स ऑफ दीज नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस वर शंट एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी वर्थलेस। इन फैक्ट द वर्ड नेशनलिस्ट इटसेल्फ वॉज यूज पेजोरेटिवली एंड आई यूज टू फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। यू नो एज एन इंडियन आई यूज टू think that you know the word nationalist or nationalism should in fact you know have a great impact on us, but it was not the case as far as you know the way history was taught to us. And there was every possible attempt to undermine the truth of Islamic invasion, the truth behind the actual nature of the Sultanate rule, and of course the subsequent Mughal conquests. Of course, temple destruction, the humiliation of Hindus, the butchery of thousands of men, women, and children was something that was never taught in class. And also those books which in fact highlighted these aspects were not prescribed to us. So of course, I was always a curious Pandora. And you know, with a little extra effort, I read the works of Jadunath Sarkar and other nationalist historians. Here, I would also like to mention the works of B.B. Lal and Sitaram Goel that had a great impact on me, in fact, as a student. So there was this complete denial of any legitimacy to one school of thought, which was the nationalist school of thought. So this was something you know, I was very perturbed about, and I was always you know, I always had this feeling that I should put forth my views on Indian history and that Indian history needs to be freed from this false narrative, from this falsehood. The Marxist historians, when we look at their works, they have used Persian sources
at length, and they have extensively, you know, used these sources in order to push their narrative about the Sultanate and the Mughal periods. Now, if you look at the Sultanate period, these historians, these Marxist historians, have tried to project this period as the beginning of a glorious era which ushered in urbanization and prosperity. So if you look at, you know, the Marxist historians, they have used these sources in order to claim that the Sultanate period was a glorious period of Indian history, and that whatever happened in the past, in our ancient past, was something which was not good enough. So what I have done in this book, in the book titled Reclaiming Hindu Temples, is that I have used those very Persian sources to question the dominant discourse of the Marxist historians. In fact, they tried to create a narrative in which they claimed that the Sultanate period and the rule of the Sultans was in fact a very peaceful period. However, if you look at these Persian sources, they are replete with examples of temple destruction and humiliation of Hindus. So I have in this book, in fact, you know, traced the trajectory right from the Arab conquest of Sindh, which took place in the 8th century, to the destruction of temples by Mahmud of Ghazni, which everyone is aware of, and it is something which is spoken of greatly. Coming down to the Ghurids, the establishment of the Sultanate by Muhammad Ghuri and Qutbuddin Aibak, then, of course, the rule of the Ilbari Turks. Then I have gone on to focus on the period of the Khaljis and the Tughlaqs, followed by the regional sultanates. There is an entire chapter dedicated to the Islamic rule in Kashmir and the calamitous effect which the Shah Miri dynasty had on the state. And I've also focused on the rule of the Lodis. And with that, I have kind of concluded this book. In fact, the intention was always to, you know, wipe out the kind of false narrative that has become the dominant discourse over the years. In fact, the future belongs to those who learn from their past. And if we don't learn from their past, then we'll keep repeating their our blunders. So in fact, if we continue to glorify the invaders and belittle our own warriors, we'll never be able to unshackle ourselves. So it is very important that we learn the correct narrative of Indian history, learn the truth behind the Sultanate period, the truth behind why our temples were destroyed, what was the ideology behind destroying these temples, and what actually happened. So with that intention, I have actually written this book, and I just hope that it is well received by people. And yeah, so thank you very much for giving me the opportunity to speak and introduce the book. बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी आपका, जितना सुंदरता से आपने अपनी पुस्तक को, पुस्तक के सारांश के विषय में, उसके पीछे के आपके उद्देश्य के विषय में बताया, वो सभी से निश्चित रूप से जितने भी हमारे दर्शक गण हैं बहुत ही लाभान्वित होंगे। और इस निश्चित रूप से आपने बहुत ही सही बात कही है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं, अपने अतीत से नहीं सीखते हैं, तो भविष्य में इतिहास से उनको मिटा दिया ही जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके अनुक्रम की, इसके टेबल ऑफ कंटेंट की, तो आपने, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था जब मैं आपकी इस जब ये पुस्तक के रूप में आ गई, तब मैंने इसको पढ़ा, और इसमें इतिहास की ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमारे आप कह सकते हो पाठ्यक्रम में नहीं बताया जाता, जिनके विषय में, और ऐसे रानी, ऐसे राजा, ऐसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने अपनी संस्कृति को, धर्म को, अपने मंदिरों को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन तक दे दिया, उनके विषय में कोई चर्चा तक नहीं है। कोई इतिहास के, केवल मैं कहूंगा कि फुटनोट्स पर भी उनको स्थान नहीं दिया गया है। तो निश्चित रूप से आज के समय में यह पुस्तक बहुत ही एक विशेष महत्व रखती है। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं अपने सभी अतिथिगणों से अनुमति चाहूंगा कि अब हम इस पुस्तक का विमोचन कर सकें। और तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि पुस्तक को हाथ में लेकर के एक बार इसको दिखाते हैं और अपने दर्शकों को, एक सेकंड दीजिएगा जी, अवश्य अवश्य। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ें, अपने इतिहास को, सही इतिहास को जानें, जन जन तक पहुंचाएं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसके विषय में लेख लिखें,
और अलग अलग, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो इसका रिव्यू लिखें, अगर आप ब्लॉगर हैं इस पर ब्लॉग बनाएं, वीडियो मेकर हैं वीडियोस बनाते हैं तो इस पर वीडियो बनाएं। जी, जिस भी प्रकार से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप अवश्य दीजिए। तो बहुत ही अच्छा मैं कह सकता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर जी और आशीष पॉल जी जैसे लोग उपस्थित हैं। मोनिका अरोड़ा जी भी अभी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी, अपनी कुछ व्यस्तता के कारण वो थोड़ा सा देरी से जुड़ रही हैं। तो इस कड़ी में मैं आशीष कौल जी से निवेदन करना चाहूँगा। आशीष कौल जी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कश्मीर के मुद्दे पर उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उनकी 3 पुस्तकें आई हैं जो कि बेस्ट सेलर रही हैं। तो आशीष जी कुछ आप अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि ये पुस्तक कैसे महत्वपूर्ण रखती है, महत्व रखती है, कैसे महत्वपूर्ण है, और आपको आपको आपके इस पुस्तक के विषय में क्या विचार है। जी आशीष जी। Thank you, Ankur ji, and congratulations to you, Ankur ji, to Garud Prakashan, Chandni, and so nice to see Praful ji here. देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश की बड़ी अजीब सी एक विडम्बना रही है एक भारतीय होने की, जो मैंने अपने 26 साल के मेरे पब्लिक सर्विस के जो अनुभव मेरा है वो ये कि मैंने ऐसा पूरी दुनिया करीब करीब देख चुका हूँ, मैंने ऐसा देश कहीं नहीं देखा जो थ्राइव करता है अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के डिस्ट्रक्शन पे। वी आर अ नेशन दैट एंजॉयज बीइंग डिस्ट्रक्टिव ऑफ इट्स ओन हेरिटेज, हिस्ट्री एंड अ ग्लोरियस पास्ट। हैविंग सेड दिस, दिस इज ऑल्सो द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग एन इंडियन, इंडियन हिस्ट्री। आई ग्रेजुएटेड मोस्टली इन हिस्ट्री, आई एम अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर एज वेल, एंड मोस्ट ऑफ माई रिसर्च वर्क इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द लॉस्ट लेगेसीज ऑफ हिस्ट्री। मैंने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा कि अपने देशवासियों को एक बड़ा अजीब मजा आता है अपने देश की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना और उसमें अपनी ग्लोरी ढूंढना, और उन लोगों को हम मान्यता देते हैं। हमने अपने, देखिए एक तो ये होता है कि आपको ऐसे उत्पाती तत्व हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा है, उत्पाती तत्व आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ऐसे उत्पाती तत्वों को आरक्षण प्राप्त है, मतलब उनको सरकारी तौर पर मान्यता मिलती है। जैसा चांदनी कह रही थी कि वी आर डिस्करेज टू लर्न ऑफ द ग्लोरी ऑफ आर कंट्री, हम लोगों को वही ग्लोरियस बताया जाता है जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, पीपल हु हैव परसिक्यूटेड अस, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डिस्ट्रक्शन, दे वी हैव बीन कंडीशनड टू ग्लोरिफाई देम, विच इज वेयर you know Chandni has, and nobody else but Chandni, because she has herself been a student and you know studied from the colleges that she has studied, and being a research scholar, only a research scholar could have done justice and brought out what Chandni has done. One, it takes great courage, and which is where I think Garuda also deserves the courage, kyunki hamare yahan pe jo hi aap लीग से हटके कुछ बात करना चाहते हैं, जहां आप सच की बात करना चाहते हैं, वहीं अपीजमेंट ने हमारी स्पाइन को इतना खोखला कर दिया है, हमारे पॉलिसी, हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को इतना खोखला कर दिया है कि हम सच का सामना करने से तो कोसों दूर भागते हैं। हम बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहते जहां पे कोई एक वोट बैंक इंप्लीकेटेड हो, हम सच नहीं मानना चाहते। और ऐसे में चांदनी जैसा स्टूडेंट, जो चांदनी ने बताया अभी कि अगर वो करे तो वो क्या करे, अगर मेरे पास कोई सच है, पर मुझे तो बचपन से ये पढ़ाया गया कि सच वो है जो किसी लेफ्टिस्ट ने, किसी मार्क्सिस्ट ने या किसी ने जो लिखा है, अब अगर दिक्कत ये है कि सबको पता है सच क्या है लेकिन सच कोई मानना नहीं चाहता। और मेरा हमेशा से, जैसे बड़ी अजीब सी बात है, हमने मेरे ख्याल से पिछले 25-26 सालों से हम वो ओक साहब की वो किताब के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि ताजमहल का सच क्या है। दिन में एक बारी आपको उसका व्हाट्सएप आ ही जाएगा कि तेजो मलाया या ये, तो ये करीब आज से 10-12 साल की, व्हेन आई वाज विद जी दैट टाइम, मैंने कोशिश की कि सच क्या है। देखिए
आज जो है, मैं ये भी कहता हूं कि आज जो है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको तोड़ फोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं लेकिन आपको सच मानने में क्या दिक्कत है। उस पर्सपेक्टिव से मैंने, और मैं जिस पोजीशन ऑफ पावर में था, आप मान नहीं सकते कि मुझे कितना बड़ा स्टोन वॉलिंग फेस हुआ कि आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं। सवाल कोई ये नहीं, सवाल कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड कि मैं क्यों जानना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा इस इंफॉर्मेशन का। किसी ने, मैं अच्छा, उसके बाद में मैंने दो RTI फाइल की कि भाई ऐसा ऐसा समाज में ये चर्चा है, क्यों ना हम इस चर्चा को एक बारी विराम दे दें और सच क्या है ये बताएं कि क्या ताजमहल में कुछ कमरे हैं, क्या उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स थे क्या वो अभी भी अंदर हैं, वो कहाँ है। आप सोचिए एक साल में मुझे जितने जवाब मिले उसमें किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जलेबी की तरह गोल गोल मुझे जवाब दिए और मुझे इतनी हंसी आती थी, ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि भाई ये इंफॉर्मेशन गलत है या ये इंफॉर्मेशन सच है। ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी, आप वेस्ट में जाएं, आप यूरोप में जाएं, कई जगहों पे जो उनके जो जिनको वो टेंपल्स कहते हैं उनको या तो आज मॉस्क बना दिया गया है या उनको चर्चेस बना दिया गया है, पर कहीं कोई डिनायल में नहीं रहता। क्या जो तुर्की में जो ग्रैंड मॉस्क है उसके बारे में हम नहीं जानते, उसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में बनी है, हम उनको कितना उनको अक्लेम मिला है उन फिल्मों को, सब जानते हैं उसका सच क्या है। लेकिन आज थोड़ी ना कोई उठ के, आज कोई क्रिश्चियन मिशनरी उठ के ये नहीं कहता कि भाई ये तो चर्च था इसको फिर से तोड़ के चर्च बना दो। सब लोगों ने लेकिन सच को मान लिया है। हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सच मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी रिलीजियस ग्रुप का सेंटिमेंट हर्ट होगा, हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां से वोट पड़ता है, क्योंकि वहां से सरकार चलती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऐसी दिक्कत में चांदनी जैसे एफर्ट की इसलिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि होता यह है कि देखिए, अब जब आप सच को किसी रूप में आगे रखना चाहते हैं, हमेशा से आपको यू विल बी अनदर हिस्टोरियन विल बी थ्रोन एट योर फेस हु फर्स्ट ऑफ ऑल विल नॉट बी इंडियन, सेकेंडली ही विल हैव नो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ही विल हैव नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बैक व्हाट ही इज डूइंग, थर्ड इट विल बी हिज पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। आपने दुनिया में कहीं ऐसा देखा कि किसी देश की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किए या जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी हिस्ट्री को तहस नहस करने में? आज हमारे कोर्सेज में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो कहां से आती है? वी आर लर्निंग आर हिस्ट्री फ्रॉम द आईज ऑफ द आउटसाइडर्स एंड पीपल हु हैव पर्सिक्यूटेड अस एंड वी आर सपोज टू गो बाय दैट, वी डोंट इवन एक्नॉलेज द ट्रूथ। So I think ये एक ऐसा एफर्ट है। और मैं प्लस आई कम फ्रॉम कश्मीर, द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन आई हैव सीन, जब मैं कश्मीर पे काम करता हूं तो लोगों को हैरत होती है कि क्या ये वाकई में ऐसा हुआ, क्या ऐसा सच था, क्या ये मंदिर पहले, ये मस्जिद पहले मंदिर थी, इतने बड़े बड़े काली के प्रकट वहां पे जो रहे कश्मीर में, शक्ति स्थल रहे जो आज बड़ी बड़ी दरगाहें, बड़ी बड़ी मॉस्क बन चुकी हैं। Even a historically challenged person जिसको थोड़ी बहुत भी आर्किटेक्चर की समझ होगी उसको देखते ही पता चलेगा कि ये अष्टकोण आकार के जितने फंडामेंटली जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये वैदिक स्ट्रक्चर्स हैं, हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कोई सोचने की भी बात नहीं है। कोई आठवीं फेल हिस्टोरियन भी वो चीज को बता देगा, पर क्या हम ऐसी चीज मानते हैं? तो ऐसा मैंने बहुत देखा कि जो सच होना चाहिए था और जो हमारी आज की जनरेशन है, अब देखिए बड़ा डेंजरस, हम लोग एक बड़े डेंजर प्रेसिपिस पे हैं इस वक्त। हिस्ट्री के ऐसे थ्रेशोल्ड पे हैं कि हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अब सारा का सारा ज्ञान जो है वो डिजिटली अवेलेबल है, जहां एक तरफ डिजिटल माध्यम की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पहुंच है, उसकी रीच है, जहां तक एक फिजिकल माध्यम नहीं पहुंच सकता वहां डिजिटल माध्यम पहुंच सकता है। ये डिजिटल माध्यम की बहुत बड़ी रीच है। और जिस तरीके में हमारे यहाँ टेलीकॉम रोल आउट हुआ है, दुनिया में मिसाल है हमारा देश टेलीकॉम रोल आउट में, तो अब ये डिजिटल माध्यम इस टेलीकॉम रोल आउट को के ऊपर चढ़ करके देश के कोने कोने में पहुंचेगा। लेकिन क्या पहुंचेगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या पहुंचेगा? आपके पास एक डिजिटल माध्यम पे एक व्हाट्सएप आएगा कि ये मंदिर है, दूसरे पे आएगा ये मस्जिद है, अब आप किसको मानेंगे?
सो डिजिटल माध्यम में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि जो फॉल्स नैरेटिव है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो फॉल्स नैरेटिव है, जो व्हाइट मैन्स पर्सपेक्टिव है, जो लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो भी अगर इन 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 डिजिटल माध्यमों से देश के कोने कोने में जब वो पहुंचेगा, तो सच जानने वाला व्यक्ति किसको सच मानेगा? तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक इसमें एक सरकार की तरफ से भी एक भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार हमेशा, जितनी सरकारें रहीं, वो आज स्थिति क्यों है, क्योंकि सरकार कभी इस चीज में पढ़ना नहीं चाहती, वो इंटरवीन नहीं करना चाहती, सरकार ने कभी अपना दायित्व हिस्ट्री और कल्चर को करेक्ट करने के लिए नहीं लगाया। ये तो अब अमृत महोत्सव और ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन देखिए टोकनिज्म में और रियल एक्शन में मुझे लगता है अभी भी बहुत बड़ा गैप है। जो सरकार को करना चाहिए, सरकार अभी भी डरती है, सरकार अभी भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है सरकार की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। और लोग कहेंगे, देखिए हमने 72 साल 73 साल की गुलामी में, हमारी मानसिकता में वो रच बस गया है झूठ, उसमें आपको कहीं ना कहीं हमें एक अपोजिशन मिलेगा। यस, डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग, जिनका पूरा डीएनए एक झूठ पे बेस्ड है, वो अपोज करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट शुड डेटर। ट्रूथ नीड्स टू बी टोल्ड, ट्रूथ नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, एंड अल्टीमेटली वी आर वाइज इनफ, एवरीबडी, जिसको सच समझना है वो फैक्ट्स के आधार पे सच समझ सकता है। लेकिन आज सच बाजार में है नहीं, सच विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, पीपल हु मैटर, उनको खुद ही सच नहीं पता। मैं कश्मीर से आता हूं, मैं एक मिनट और लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्रीज देखी हैं, पर जितनी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री कश्मीर की है, मैंने अपनी लाइफ में इतना ब्रेजन डिस्टॉर्शन, एक होता है डिस्टॉर्शन, अज्ञानतावश भी डिस्टॉर्शन हो सकता है भाई, किसी को जब पता ही नहीं है तो करेक्ट क्या करे। लेकिन जानते बूझते जो ब्रेजन डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री मैंने कश्मीर में देखा, वो दुनिया में उसकी आपको कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल नहीं है कि एक सरकारी तंत्र, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि जो हिंदू इतिहास है वो तो मिथ्या है। आपने कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल सुनी है? हमारे पास में, हमने कई अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को देखा है, हमने अलग अलग पॉलिटिशियंस को देखा है, जो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सच को झूठ और झूठ को सच बना के बेचते हैं, लेकिन इतना ब्रेजन झूठ आपने कहीं नहीं देखा होगा। जो सरकारी तंत्र, वोटेड गवर्नेंस कहती है कि ये इतिहास भी मिथ्या है, ये तो किस्से कहानियां है, राजतरंगनी भी मिथ्या है, वो तो बस ऐसी किस्से कहानियां थी। इतना बड़ा ब्रेजन लूट ऑफ हिस्टोरिकल लेगेसी you will find only in this country, and my salutations to you, Ankur ji, for taking a stand and bringing this out in the manner that it has been brought out. I have read many parts of it, of course. You know, Kashmir part was the first part that I read, and that is just the tip of the iceberg. I think a lot of this effort needs to be taken forward, and very well done, Chandni, Ankur ji, bahut bahut dhanyawad. Publishers se meri बहुत बड़ी नाराजगी है कि अब एक जमाना होता था कि पब्लिशर्स की पूजा होती थी, जैसे जर्नलिज्म देश का स्तंभ माना जाता है, पब्लिशर भी, पब्लिशिंग हाउसेस भी, पब्लिशर्स संस्कृति का स्तंभ था। लेकिन अब पब्लिशर्स, मैं भी जब अपनी पुस्तकों की बात करता हूं तो पब्लिशर्स छूटते जो नए बच्चे होते हैं, मैं भी, I mean, I'm going to be in my 50s now, 26 साल हो गए काम करते करते, सबको जानता हूँ, सब पहचानते हैं, लेकिन नए नए बच्चे आज भी पूछते हैं कि सर अच्छा बताइए इसका मार्केटिंग बजट कैसे आएगा, कौन मार्केटिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेंट, बट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि इसको प्रमोट कैसे होगा, इसमें पैसे कैसे लगाएंगे, आप कितना पैसा लगाएंगे, आपके यार दोस्त कितनी किताबें। सो आई थिंक वो एक, मुझे लगता है अच्छी किताबें, और मुझे लगता है, मुझे इस चीज पे गर्व है कि बिना एक पैसा खर्च किए मैंने एक वो कोशिश की, और जहां जो रिजल्ट्स मुझे मिले, लोग सच जानना चाहते हैं, लोग सच पढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है पब्लिशरों की हिस्सेदारी भी बड़ी जरूरी है, पब्लिशिंग का वो एक ग्लोरियस दौर जो नाम चांदनी ने लिए, मुझे लगता है वो दौर रिक्रिएट होना चाहिए। इस वक्त ये वो दौर है भारत में जहां पब्लिशर्स की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर पब्लिशर्स अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे तो झूठ ही छपेगा,
झूठ ही लिखा जाएगा, झूठ ही पढ़ा जाएगा और वो झूठ को सच बनते देर नहीं लगेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि हम कुछ नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच चांदनी, थैंक यू सो मच अंकुर जी एंड प्रफुल जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई सेड। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से अपनी बेवाकी से अपनी बात रखी, और काफी काफी मोटिवेशनल था आपका टॉक, और जो आपने पब्लिशर्स की बात कही कि निश्चित रूप से पब्लिशर्स आज के समय में एक स्तंभ है, आप उन्हें लोकतंत्र का भी एक स्तंभ कह सकते हैं, संस्कृति का एक स्तंभ है स्थापित करने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि गरुड़ प्रकाशन की तो स्थापना ही इसलिए हुई है ताकि हम सत्य पर आधारित और तथ्यपरक पुस्तकें बिना किसी डर के ला सकें। अभी तक भी लाते आए हैं और आगे भी लाते रहेंगे निश्चित रूप से। और आशीष जी की जो अभी जो आपने आशीष जी जो अभी आपने कहा उसमें बहुत ही अच्छी सटीक बात ये थी कि जो झूठ हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारी आप कह सकते हैं पिछली सरकारों ने इतिहास को जिस तरीके से दबा दिया, कुचल दिया, बहुत ही अच्छा इसके लिए मैं उदाहरण रखना चाहूंगा यहाँ पर कि एक समय था जब राम भी हमारे काल्पनिक पात्र कह दिए गए थे एक एफिडेविट में। तो निश्चित रूप से अगर हम अपनी जिसे कहते हैं थाती, उसको अगर हम क्लेम नहीं करेंगे आज के समय में तो वो चली जानी है। हमें हमारी संस्कृति को, हमारी जो इतिहास है, जो गौरव है, उसको निश्चित रूप से क्लेम करना चाहिए। जैसा कि चांदनी जी की पुस्तक का टाइटल भी है रिक्लेमिंग हिंदू टेम्पल्स, इस पुस्तक में एक जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं पढ़ रहा था, तो इट वाज वेरी मैं बिल्कुल वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, रानी लाडी की कहानी जो चांदनी जी ने इसमें लिखा है कि राजा दाहिर की हत्या हो जाती है और किस तरीके से अरबों ने, पूरी दुनिया जानती है, फोर्स कन्वर्जन करे हैं, जो भी औरतें बच्चे जो भी हैं उनको मारा है, औरतों को बहुत ही पूरी तरीके से उनके बलात्कार किए हैं, उनको बेचा है, मंडियों में बेचा है। तो उस समय में भी हमारी जो रानियां थी उन्होंने अपना सारा धन सारी संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों में, और उनको उनको मोटिवेट करने में कि किस तरह से हमें हमारी हमारी रक्षा करनी है, हमें बचाना है खुद को, अपने धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। और वो चीजें, वो प्रेरणादायी जो कहानियां हैं, वो हमारे को अगर ये कहा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए कुछ और नहीं हो सकता। तो अभी हमारे साथ एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैं भूल गया था, सॉरी 30 सेकंड और लूंगा। चांदनी का मैं जब पढ़ रहा था उसमें मुझे अभी नहीं पता कि सच क्या है, पर मुझे याद है बचपन में हम लोग, दिल्ली हैज बीन सेकेंड होम टू मी, जब बचपन में हम लोग कुतुब मीनार जाया करते थे तो वहां पे एक प्लैक था, एक पत्थर का एक वो इबारत थी वहां पे, उसमें लिखा हुआ था कि ये शायद, अगर मुझे सही से याद है, क्योंकि ताजमहल ये अपना कुतुब मीनार गए हुए मुझे मेरे ख्याल से आज 25-26 साल से ज्यादा शायद हो गया होगा, वहां पे लिखा था कि ये जो गैलरी है, जो आर्चेस जो वहां पे स्तंभ लगे हुए हैं, वो शायद 18 मंदिरों से तोड़े हुए वहां पे बनाए हुए। और मैं बच्चा था तब मैं सोचता था कि अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूजन स्ट्रक्चर जो है, ये एक हिंदू स्ट्रक्चर था और एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट वहां पे, यानी वहां पे लिखा हुआ ये है कि 18 जैन मंदिर और 9 हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये सारा खड़ा किया गया है स्ट्रक्चर। 27 मंदिरों को वो अभी भी है, 27 जी सर है वहां पे, एंड दैट वाज द कुवतुल इस्लाम मॉस्क व्हिच वाज द वन ऑफ द फर्स्ट मॉस्क्स आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत व्हिच वाज क्रिएटेड बाय द इलबारी टर्क्स। तो वो 27 नंबर वहां मेंशनड है सर प्लाक में कि 27 हिंदू एंड जैन टेंपल्स को तोड़ के वो कुवतुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण हुआ था। अब इससे ज्यादा बट्टा क्या हो सकता है कि मतलब यू नो इट्स अ स्ट्रेंज कंट्री, यू नो इट एंड द ओरिजिनल रेड फोर्ट हुज एग्जिस्टेंस वाज always denied. Yeah. You know, it is so funny. I asked one of the historians when I was doing my work, and you know, I had spent 6 years in research during when I was doing Dida. तो उस वक्त एक बड़ी फनी सी बात ये मुझे दो चीजें समझ में आई, सॉरी अंकुर जी मैं एक मिनट और लूंगा, कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारी देश की हिस्ट्री के बारे में
विदेशी पुस्तकालयों में या विदेशी हिस्टोरियंस को ज्यादा पता है, हमको तो बिल्कुल नहीं पता है। जब मैं दिदा की बात कर रहा था तो यहाँ पे हमारे मेरे परिवार की कहानी है, पर यहाँ पे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमेन ऑथेंटिक टू द कॉज। एंड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया, यू नो, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस वुड से, दिदा वाओ, शी वाज वन ऑफ द ग्लोरियस वुमेन ऑफ द मिडल ईस्ट, शी वाज द ब्रेवेस्ट वुमेन, और हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं था। एक तो ये, दूसरा ये कि एक बड़ी अजीब सी जो बात है, जो ये इसको हिस्टोरियंस को लेके मैं बात करता था, कि आप एक तरफ ये मानते हैं कि दिल्ली का जो ये पूरा दिल्ली, फॉर द सेक ऑफ कॉमन वर्ड, ये पूरा राजस्थान और ये जो दिल्ली का जो पूरा रीजन है, एक तरफ हस्तिनापुर और एक तरफ ये पूरा जो रीजन था, इसमें बड़े बड़े राजवंश हुए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि जो लोग दिल्ली रीजन से राज करते थे तो क्या वो लोग पेड़ों से राज करते थे? वो कहां रहते थे? तालाबों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, टेंटों में रहते थे, वो कहां से राज करते थे? क्या उनके राजपाट करने की सीटें रातों रात गायब हो गई, और ये पर्शियन और ये मुगल और जितने आए उन्होंने रातों रात ये स्ट्रक्चर खड़े कर दीजिए? अरे इनकी अपनी कंट्रीज में जाके देखो, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इनकी अपनी कंट्री में, मैंने पूरी दुनिया घूमा हूं, सब जगह देखा है, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, नेचुरली पहले ऐसी जगह जाता हूं, मैंने ऐसा कहीं वहां नहीं देखा। पर यहीं आके इनका इतना क्रिएटिव बल्ब जल जाता है कि इन्होंने रातों, और जो हमारे राजवंश थे वो कहां से राज करते थे? इस बात का मुझे आज तक कभी जवाब नहीं मिला कि दिल्ली रीजन में जो इतने बड़े बड़े राज परिवार ने राज किया, वो कहां से राज करते थे? जब सब कुछ इन्होंने 150 साल 200 साल में बनाया, तो वो बेचारे कहां, घोड़ों पे आते थे, बस मंडली बिठाते थे और चले जाते थे। एनीवे, सॉरी, बैक टू यू। निश्चित रूप से आशीष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और मैं बात कर रहा था रानी लाड़ी की, जिसकी स्टोरी जिस तरीके से चांदनी जी ने उसमें बताई है कि किस तरीके से रानी लाड़ी ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, और अंततः जो उनका अंत हुआ वो इतना दुर्दांत अंत था कि उनको वहां पर अरब कंट्रीज में जाकर के मोहम्मद बिन कासिम को बेच दिया गया। तो जी, आपकी रानियों के साथ में, आपके राजकुमारियों के साथ में, आपकी जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके साथ इतने दुर्दांत व्यवहार हुए, इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई, और फिर भी आप डिनाइल के मोड में रहेंगे तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ और हो नहीं सकता। बहुत बहुत एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चांदनी सेन गुप्ता जी का कि उन्होंने इतनी ज्यादा इतनी अधिक तथ्यात्मक रूप से और शोधपरक जो उनका कार्य है उसको लेकर के वो इस पुस्तक को लेकर के आई हैं। और अब मैं मोनिका अरोड़ा जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोनिका अरोड़ा जी के विषय में कोई भी ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग उन्हें जानते नहीं है। शी इज़ अ बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ डेली राइट्स 2020, द फेमस बुक एवरीबडी नोज अबाउट, जिसको केवल उसके इस कारण से पब्लिशर ने विड्रॉ कर लिया था कि उसमें तथ्यपरक और सत्य आधारित बातें कही गई थी और कपिल मिश्रा जी को उसमें इनवाइट किया गया था। आई डोंट हैव एनी इशू इन यू नो टेलिंग द ट्रूथ ऑन कैमरा इटसेल्फ। और दूसरी पुस्तक मोनिका जी की हमारे साथ में आई है, लव जिहाद और प्रीडेटरी दावा। निश्चित रूप से मोनिका जी का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा कि इतनी अधिक तथ्यपरक पुस्तकें और इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें वो लेकर के आती हैं, वो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिया। इस पुस्तक में भी मोनिका जी ने अपना फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आपके विचार हम आज के कार्यक्रम में जानेंगे और आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रफुल्ल केतकर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अब तक के एक पत्रकार के रूप में, एक चीफ एडिटर के रूप में जो उनका अनुभव रहा है, उसके आधार पर इस पुस्तक के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों को साझा करें। और विशेष रूप से मैं ये भी उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा उन्होंने बीच में बताया हमें कि 27 मंदिरों को तोड़ करके, स्तंभों को ला करके आपके राष्ट्र की राजधानी में रखा हुआ है मेंशन करते हुए भी,
और उसके बावजूद भी उस पर कोई भी व्यक्ति अपनी चुप्पी को क्यों नहीं तोड़ना चाहता। कोई भी व्यक्ति से मेरा बहुत ज्यादा मेरा तात्पर्य है हमारे सरकारी तंत्र से, हमारे ब्यूरोक्रेटिक तंत्र से, हमारे पत्रकारों के तंत्र से। तो जी प्रफुल्ल जी बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद अंकुर जी। सबसे पहले तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चांदनी जी फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ वंडरफुल ऑथेंटिक वेल रिसर्च बुक, एंड ऑफ कोर्स कुडोस टू गरुड़ा पब्लिकेशन फॉर येट अगेन एडवेंचरस पब्लिकेशन, एंड यू आर turning out to be true to your name, the strength and the zeal of Garuda is clearly shown in this publication venture. Now you started by asking Ankurji this question ke ye pustak mahatvapurna kyu hai. I will just talk about three points in a way answer to your this basic question. सबसे पहली बात, हमको जो एज अ सिविलाइजेशन हमारी समझनी चाहिए कि हमारे लिए मंदिर ये केवल उपासना के केंद्र नहीं थे, दे वेर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जहां जहां से मंदिर हटे हैं, जहां जहां से सेक्रेड टेंपल्स और मूर्तियां हटी है, वहां वहां से हमारी सभ्यता नष्ट हुई है। इसको हमें ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक से समझना पड़ेगा। सो टेम्पल्स वेर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वेर द टेम्पल्स ऑफ अवर सिविलाइजेशन, दे वेर द टेम्पल्स ऑफ अवर बॉन्डिंग, दे वेर द टेम्पल्स ऑफ अवर सोशल एंडेवर्स, दे वेर द टेम्पल्स ऑफ अवर इकोनॉमिक एंडेवर्स। ऐसे कितने सारे टेम्पल थे जिनकी दी हुई हुंडी बाली तक चलती थी, ऐसे कितने सारे टेम्पल थे जो हॉस्पिटल भी चलाते थे और गुरुकुल भी चलाते थे। मंदिर के नष्ट होने से केवल मंदिर नहीं नष्ट हुए, उन्होंने हमारे सभ्यता के फाउंडेशन को नष्ट किया। और इसीलिए हुएवर सोल्ड दिस स्टोरी दैट टेम्पल डिस्ट्रक्शन वॉज जस्ट अ पोलिटिकल एक्ट, और उस समय की जैसे मान लो वो एक प्रथा ही थी, और इसीलिए चाहे टर्कों ने चाहे मोगल्स ने जो किया, इट वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ दोज एरा के पॉलिटिकली ये होता ही था। दैट इज द जनरल नैरेटिव दैट इज सोल्ड, एंड एज आई कुड गो थ्रू सम पेजेस ऑफ दिस बुक, I could clearly see the anguish of author Dr. Chandni Sen Gupta as a reaction to this popular narration by authors like, and she has taken the names, I'm glad, whether Habibs and Thapars, and she has not, you know, she's not beating around the bush. I can see that anguish. Ki ye kaise ho sakta hai? ये कैसे हो सकता है? इज इट अ कोइंसिडेंस दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री दैट टेम्पल्स वेर द प्राइमरी टारगेट, एंड बिकॉज नाउ आशीष जी हैज स्पोकन अबाउट द कोर्स करेक्शन एंड द रोल ऑफ द स्टेट एंड द पब्लिशर्स एंड द एंटायर मशीनरी दैट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री रीराइटिंग। मैं मानता हूं सेकंड, पहली बार किसी एक पुस्तक ने, मैं मानता हूं कि सीताराम गोयल जी की जो ट्रेडिशन जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास किया, देन मीनाक्षी जैन जी जिन्होंने डीटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स एपिसोड्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के नाम पर उस ट्रेडिशन को और आगे लेकर जाने का प्रयास किया। आई पुट दिस बुक इन दैट सिमिलर ट्रेडिशन वेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड प्योर रिसर्च
the so-called mainstream narrative is debunked and destructed comprehensively through reclaiming Hindu temples. Calling that era as oppressive era, and if I want to choose, because I would like to connect it to the entire 75 years of independence struggle also. If I want to use the Marxist analogy of base and superstructure, then many a times we forget that it was the Islamic invasion that actually destroyed the basis of Indian culture through the destruction of temples. What British did intellectually was destruction of the superstructure. And what Marxist and Nehruvian socialists did post-independence is basically a synthesis of both these two and sold it as the history of India, denying the itihasa, the truth as it happened, the events that it happened. Itihasa, the Sanskrit origin of word, is not about stories, not about kings. The real meaning of itihasa is as it happened. And therefore, it is very important to understand that our entire struggle for independence was not just about Swaraj. It was not just about political independence. The first ever resolution that was passed in 1801, the formal resolution that was passed by Velunachiar and the other kings of entire Vijayanagara Empire, that resolution was called Jambudvipa Declaration. And Jambudvipa Declaration, in the first clause, talked about the temples. Our entire struggle, if you see, in the entire phase, if there are two common factors that has connected our entire freedom struggle from 17th century to 20th century, and if you will find only two common issues that have erupted time and again, you will find only two issues. One is temple, the other is cow. You take any incident and you will find some connection to these two basic issues, because our entire civilization was built on temple on the one hand and our connection through cow with the land on other hand. It was not just an economic activity called agriculture. The culture aspect of that agri was much more important to us, and it was symbolized by cow. And therefore, when destruction of temple and killings of cow become symbols of Hindu humiliation, our civilizational humiliation, our society reacted to it time and again. And I'm glad that through various dynasties, through various regions, Channiji has tried to narrate this destruction based on the ideology of iconoclasm in a very methodical way and still very interesting way that connects with the present day generation. The storytelling aspect of this research is very interesting. Another important aspect that I liked about this narration is, first time perhaps, I used to think that I am the only person who writes in English but never use the word India. I always write Bharat as Bharat, even in English. I'm really glad, Channiji, that you have used Bharat, because if you really want to understand this monumental destruction of Indian civilization, then you have to understand it through a Bharatiya perspective. India cannot tell you the story of destruction of temples and the significance of temple civilization to the Indian ethos. Why, despite so much of, you know, movements after movement and the so-called Aryan Dravidian divide and so-called many efforts to de-Indianize
our society, the unique part of our struggle, if you see from America to Latin America to entire Southeast Asia, there is only one civilization that has survived this onslaught, is Indian civilization. And one of the reasons for that is our temples that connected us throughout these more than 5,000 years, and now people say with Rakhigadi, 8,000 years of history, through Tirthas, through Yatras, through Melas. So temples were symbols of our tourism also. So spirituality, economics, politics, means the governance models may be different, but our nationhood was same from Himalayas to Indian Ocean. That message was conveyed through the temples and the Kumbh Melas and the Tirtha Yatras. And therefore, reconnecting with the roots of Indian civilization, nurturing those roots. And why it is difficult, Ashish ji, for any government or a state machinery, in fact, state machinery has thrived on this, because this institution itself has erected and thrived on the denial of this very edifice of Bharatiya civilization. And that's why perhaps Tagore, or for that matter, even Gandhi in his Hindu Swaraj, or Pandit Dindayal ji in his Integral Humanism, talks about reconnecting to the roots, to the villages, to the gram, and rebuilding our civilization from below. Now, because state being the colonial institution with a centralized structure and centralization mindset, doesn't want to strengthen these roots, because then it will be always a challenge from below. But what is happening over the period of time is, being a Hindu civilization, we are finding a new kind of synthesis to rebuild, to reconstruct our civilization with modern characteristics. And therefore, there are many people who are taking up temple rebuilding clauses. If they are not going back to their roots, once in a year, visiting our villages and then taking care of the temples, building entire, ecosystem around temples. Now, this kind of mechanism is evolving over the period of time. In this context, if we revisit and reclaim our temples with authentic documentation, with correct references, with the glory and the prosperity of those temple structures, then only we can reclaim our civilizational ethos. Then only hum ye jo sari sabhyata ki ladai chal rahi hai, us sabhyata ki ladai mein hamari generation ko ye iconoclasm ki soch kis tarike se kaam karti hai, ye polytheism versus monotheism ka fake debate khada karke हिंदुओं को एक गुलामी के मानसिकता में ढकेलने का प्रयास सिस्टमैटिकली ब्रिटिश कर पाए, क्योंकि पहले से एक फाउंडेशन जो है उस पर बहुत बड़ी चोट लग चुकी थी। और इसलिए यदि हमें हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई का, हमारी स्वाधीनता की लड़ाई का जो संघर्ष है उसको यदि ठीक से समझना है, तो मैं मानता हूं कि अभी भी स्वाधीनता तो हमने प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता की लड़ाई अभी जारी है, उसकी यात्रा अभी भी हम कर रहे हैं, और वो यात्रा का जो रास्ता है वो मंदिरों से होके गुजरता है। इसीलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जब लड़ाई शुरू की तो वो स्वधर्म से शुरू की, स्वधर्म के बाद वो स्वदेशी पर आई, स्वदेशी के बाद वो स्वभाषा पर आई, और स्वभाषा के साथ फिर स्वराज जुड़ा। मैं मानता हूं इन चारों को जोड़ने वाला भारत के स्व का और सभ्यता का यदि कोई केंद्र रहा तो वो टेम्पल्स रहे,
उन टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन ये भारत की सभ्यता का डिस्ट्रक्शन था, और वो केवल एक जगह पर नहीं हुआ, आइकोनोक्लाज्म की इस्लामिक इन्वेजन की आइडियोलॉजी के आधार पर संपूर्ण भारत वर्ष में हुआ। जहां जहां से टेम्पल हटे वहां वहां पे हिंदू सभ्यता भी खत्म होती गई। इसका एक अलग पर्सपेक्टिव कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में, और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ प्रयास कल्चरल नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आरसी मुजुमदार और के मुंशी जी ने 50s के दशक में कॉम्प्रेहेंसिव हिस्ट्री लिखने का किया था, बाद में सीताराम गोयल जी ने स्पेसिफिकली आइकोनोक्लाज्म को टारगेट करते हुए टेम्पल्स पर लिखा, मीनाक्षी जी ने इसको आगे बढ़ाया। कंटेम्पररी जनरेशन में ये बीड़ा चांदनी जी ने उठाया है, इसके लिए पुनः एक बार मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और शायद अपेक्षा करता हूँ कि आज आशीष जी ने एक विषय छेड़ ही दिया है तो शायद दिल्ली को, दिल्ली की इंद्रप्रस्थ के चश्मे से खोज करने की एक बार यात्रा भी शुरू हो सकती है, और इस बहाने गरुड़ा को और एक नया विषय और चांदनी जी को भी एक नया विषय मिल सकता है। इस बहाने इंद्रप्रस्थ के मंदिरों का क्या हुआ, ये भी इस बहाने चर्चा में यदि हम लेकर आते हैं तो दिल्ली, ये ढिल्ली का से दिल्ली कैसे बनी, लेकिन ढिल्ली का से पहले वो एक इंद्रप्रस्थ की जो एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का एक सिंबल के रूप में जो दिल्ली खड़ी थी, उसको भी मंदिरों के नजरिए से, वहां के मंदिरों का डिस्ट्रक्शन का इतिहास और उसके आधार पर तथाकथित मध्ययुगीन दिल्ली का बनना, लाल कोट को, मंदिरों को तोड़कर वहां पे एक मॉस्क बनाने का प्रयास, और उसके बाद रेड फोर्ट एक सिंबल बनना, ये जो सिंबलिज्म केवल नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक विचारधारा है जो भारत के सभ्यता की बहुविध आयामी संस्कृति को मूलतः नकारती है, और इस कारण से हमको ये केवल, मैं मानता हूं कि ये रिक्लेम टेम्पल्स वाला इश्यू नहीं है, ये रिक्लेमिंग अवर हिस्ट्री है, रिक्लेमिंग इतिहास है, रिक्लेमिंग अवर सिविलाइजेशन है। इस सारे यज्ञ में आपने अपनी तरफ से एक आहुति चढ़ाई है, गरुड़ा को और चांदनी जी को पुनः एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और इस यज्ञ की आहुति के इसमें थोड़ा सा घी डालने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया, इसलिए और भी मनपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका, जिस सुंदरता से आपने इस विषय को रखा, समझाया, और जिस तरह से आपने बताया कि जो स्व है, स्वदेशी का स्व है, स्वधर्म का स्व है, ये सभी स्व का जो केंद्र है वो मंदिर है। आज के समय में जिस तरीके से वामपंथियों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने, मीडिया ने, बॉलीवुड ने, जिस तरीके से मंदिरों के विरुद्ध एक समय पहले तक एक कैंपेन छेड़ा हुआ था, जिससे हमारे जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके अंदर एक हीन भावना जिस प्रकार से भरी गई थी, मुझे लगता है कि इस तरीके की पुस्तकों के आने से, इस तरीके के टॉक्स को सुनने से, समझने से, उन मंदिरों के महत्व को यह जो नई पीढ़ी है वो समझेगी, तो निश्चित रूप से अपनी जड़ों तक जाने की यात्रा को भी आरंभ करेगी। तो इसी कड़ी में मैं चांदनी जी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुस्तक में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण, जिसे कह सकते हैं, जो इतिहास के माइलस्टोन रहे हैं कि किस तरीके से जो सभ्यता रही है हमारी, एक हिंदू सभ्यता से धीरे धीरे करके इस्लामिक सभ्यता, फिर आपका अंग्रेजों का शासन के बाद में, नाउ डेज यू कैन से लाइक एक लेफ्ट सिविलाइजेशन की तरफ जो जा रही है बिकॉज ऑफ डीकनेक्टिंग अवर रूट्स, तो उसमें जो माइलस्टोन उन्होंने जिनको वो समझती हैं, ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको अगर हमारे सामने रीड आउट करेंगी या समझाएंगी तो हमारे दर्शकों को उससे बहुत लाभ हो। लेफ्ट अंकुर जी कभी भी सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, वो कल्चर हो सकता है एट द मोस्ट। हाँ, लेफ्ट कल्चर जिसे कह सकते हैं, ऑफ कोर्स सिविलाइजेशन नहीं कह सकते उसको। लेफ्ट कल्चर की तरफ जिस तरीके से हम जा रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन बिकॉज ऑफ स्कूलिंग, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट, आज बहुत सारे
मैं इस बात को रखना चाहूंगा इस मंच के जरिए कि जो जो हमारी जो जनरेशन है वो एक कंफ्यूज स्टेट में है कि ये सही है या ये सही है। जिस तरीके से पुस्तकें जो आप कह सकते हो कि लेफ्ट नैरेटिव जिस तरीके से परोसा गया है, आप बुक स्टोर्स को जा करके देखिए, आप यू नो वेब सीरीज को देखिए, आप मूवीज को देखिए, फिल्म्स को देखिए, तो उस उन चीजों को अगर उनके सामने सत्य को लाना है, सच्चाई को लाना है, तो निश्चित रूप से उसको तोड़ने की आवश्यकता है, जो कि मोनिका जी से ऑथर्स, आशीष जी जैसे ऑथर्स, चांदी जी जैसे ऑथर्स कर रहे हैं। तो चांदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो लेफ्ट कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो वहां तक हम कैसे पहुंचे, और कुछ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो आप जिन्हें समझते हो जो महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से डेट्स हैं या जो रूलर्स रहे हैं जिनका योगदान रहा है, उनके बारे में कुछ बताइए। अंकुर जी बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लेफ्ट इतिहास जो है, मतलब जो लेफ्ट ओरिएंटेड इतिहास है, वो हमारे भारत में जैसे आशीष सर ने भी बोला और प्रफुल्ल सर ने भी बोला कि वो डोमिनेंट रहा है। अब ये डोमिनेंट कैसे हुआ? ये डोमिनेंट इस प्रकार से हुआ दैट हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने जो सेक्युलर एजेंडा है, जो फोर्स्ड सेक्युलरिज्म है, उसके चलते ये जो नैरेटिव है, जो द इरफान हबीब्स ऑफ द वर्ल्ड और द रोमिला थापर्स ऑफ द वर्ल्ड और द यू नो द डी एन झास और द सतीश चंद्रास ऑफ द वर्ल्ड, इनको प्रमोट किया, इनकी जो हिस्ट्री राइटिंग है उसको प्रमोट किया, तो ऑब्वियसली उनके यू नो जो जो फॉल्स हिस्ट्री जो उन लोगों ने लिखी है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मिडिवल इंडिया से, सल्तनत पीरियड का जो एक एग्जाम्पल है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच हैपेंड इन 1191 उसमें उन्होंने उनको हरा दिया था, किंतु इस बात का वर्णन किसी भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में या किसी भी यू नो एनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक वर्थ इट सॉल्ट में नहीं है। द फैक्ट दैट मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192 AD, इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। सो जैसे हम बोल रहे थे कि जो हमारे इन्वेडर्स हैं, मरोडर्स हैं, जिन्होंने इन्वेड किया, हमारी सभ्यता को नष्ट किया, उनको हमारे भारत में एक कल्चर डेवलप हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस कि उनको हमें ग्लोरीफाई करना है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। इनफैक्ट येस्टरडे वेरी इंटरेस्टिंगली मैं मॉडर्न इंडिया की बात करना चाहूंगी। आई वॉज वॉचिंग दिस यू नो द हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड सायरा नरसिम्हा रेड्डी, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने 1857 से 10 साल पहले 1847 में ही काइंड ऑफ अपोज्ड द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और उन्होंने एक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था वहां पे इन द डेक्कनी स्टेट्स एंड इन द आंध्रा रीजन। बट वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट हु दिस पर्सन वाज। देयर इज नो रेफरेंस ऑफ हिम इन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। इनफैक्ट इवन समवन एज इम्पॉर्टेंट एज लचित बोरफुकन, उनका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम स्टिल लर्निंग एंड स्टिल ग्रोइंग। सो there was absolutely no reference of these people. So the dominant discourse was of certain, you know, certain figures who contributed to the national movement or certain individuals who contributed to the national movement. So when we talk about the national movement, to ek particular narrative hai. The same narrative we can see when we talk about the medieval period, whether we talk about the Sultanate period or the Mughal period, is the same narrative which is being pushed. That the Akbar is great, Maharana Pratap is not great. So this is something which you know, and it is you know very ironical that we study Maharana Pratap in the context of Akbar, whereas it should be the other way around. We study Shivaji in the context of Aurangzeb, whereas it should be the other way around. So it is you know something which is very disheartening. As a student of history, it's very very disheartening that. ऐसे हमारी हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्ट करके हमें स्कूल से लेकर के और इवन टिल पीएचडी हमें इसी वे में उसको पढ़ाया जाता है। सो यू नो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट सूफिज्म को सूफी जो सेंट्स थे उन्होंने इतने सारे कन्वर्जन्स किए, बट इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सूफी सेंट्स ने भाईचारा बढ़ाया, बट उसके मतलब एट द बैक ऑफ इट व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस वाज कन्वर्जन्स, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड। सो
हर एस्पेक्ट को अगर हम अगर देखें फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फ्रॉम द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध राइट टिल आवर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें सो ये मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इसने हमारी हिस्ट्री को पूरी तरह से नष्ट किया है पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया है सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस आई मीन आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ द कव बट देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस व्हिच कैन यू नो एक्चुअली चैलेंज दिस फॉल्स डोमिनेंट डिस्कोर्स और दिस फॉल्स नैरेटिव जी बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी आपका जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू वर सेइंग अबाउट लचित बोरफुकन यू नो इट इज सच अ ट्रेजेडी अ वॉरियर लाइक हिम इज नॉट सेलिब्रेटेड टुडे देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर ही इज आई वुडंट से ही इज सेलिब्रेटेड बट ही एग्जिस्ट्स ओनली इन वन प्लेस इन सोशल डोमेन व्हिच इज इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी उनका एक वहां पे एक बुत है बस It is so shameful that a warrior as great as Lachit Borphukan, जिसने मुगलों को अकबर को छठी का दूध याद दिलाया, at an age that he did, is not our hero. And we have these Barbie fail Ganjedis and celebrities who are our role models. Absolutely. जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं मोनिका जी हमारे साथ हैं. मोनिका जी से निवेदन करना चाहूँगा. उन्होंने इसका फॉरवर्ड भी लिखा है. धन्यवाद अंकुर जी. अंकुर जी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा आशीष जी ने कहा इंटेंट और कंटेंट दोनों की अगर बात करते हैं हम चांदनी जी की किताब के बारे में तो कहती हैं कि मेरा इंटेंट है कि मैं जेन्युइन फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री लिख रही हूँ. वो फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री लिख रही हैं. कंटेंट क्या ले रही हैं. इट्स नॉट माई स्टेटमेंट वर्सेज योर स्टेटमेंट. वो कह रहे हैं जो फारसी इतिहासकार इन मुगलों के साथ थे हमलावरों के साथ थे उस समय आए उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया. मैं तो वही छाप रही हूँ. जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए. उनको कौन डिस्प्यूट करेगा. तो ये इंटेंट और कंटेंट आज तक मिसिंग था. आज तक फैक्ट्स कभी आए ही नहीं. इंटेंट तो था ही नहीं. जैसे इन्होंने कहा ना रोमिला थापर और इरफान हबीब्स की बात की. इंटेंट तो था ही नहीं सही हिस्ट्री बताने का. कंटेंट भी नहीं. आप देखिए जब मुझे रिसेंटली ध्यान है कि औरंगजेब रोड को हटाकर अब्दुल कलाम रोड किया गया हिंदुस्तान नाच रहा था. लेकिन न्यूज़पेपर्स में जिस तरह के आर्टिकल्स छप रहे थे मुझे डिस्टिंक्टली याद है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का मैंने आर्टिकल उठाया द सेंट औरंगजेब. औरंगजेब संत द सेंट औरंगजेब किस एंगल से वो सेंट था. लेकिन ये न्यूज़पेपर्स अपने जो हेडलाइंस हैं वो व्यूज छाप रहे थे न्यूज नहीं छाप रहे थे. फैक्ट्स नहीं छाप रहे थे. एक पर्टिकुलर नरेटिव परोसा जा रहा था. मुझे ध्यान है हमारा बेटा तो मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में है. महर्षि अरविंद का स्कूल है. उनकी संस्था के द्वारा बनाया गया स्कूल है. तो वहाँ से एक बार स्कूल से आया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि संडे को हम लोग चांदनी चौक और बाकी जगह जाएंगे. मैंने कहा किस लिए जाओगे वहाँ पर. वी हैव टू स्टडी द मुगल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. मुगल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बारबेरिज्म एंड अटैक्स. तो पढ़ना है तो आप कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री पढ़िए ना. डिस्ट्रक्शन की हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे. लेकिन कोई ये नहीं मानता कि मुगलों के अलावा भी दिल्ली का कोई इतिहास हो सकता है. जब हम जाते हैं कुतुब मीनार देखने तो हम कहते हैं कि मुगल्स कंस्ट्रक्टेड सच बिग इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग्स. वो नहीं देखते कि 29 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है उनके रुइंस के ऊपर बनाया गया है. इसको हम वी चूज टू इग्नोर. हमारा टेम्परमेंट है हमें बचपन से सिखाया गया वी ऑल्सो नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. ये ध्यान में आता है. यानी हमें भी एक चश्मे से दिल्ली दिखाया गया है. हमें एक चश्मे से अपनी हिस्ट्री बताई गई है और ऐसी हिस्ट्री जिसमें हमेशा स्व के प्रति स्व के अभिमान के प्रति जो एक प्रकार से नेगेटिव है. जिस हिस्ट्री में स्व का अभिमान नहीं होता हो वही पढ़ाई जाती है. क्या आ रहे बाहर से आए. क्यों आर्यों के लिए बाहर से आए. कहा गया कि शक हूण मंगोल मुगल अंग्रेज सब बाहर से आए. आप भी बाहर से आए. आर्य सब बाहर से आए तो लोग आकर बसते रहे और कारवां बनता गया. बस्ती जमती रही. यहां पर आप देखिए हमें हमेशा कहा गया कि ये एक राष्ट्र कभी था ही नहीं. ये तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है. आज भी लिखा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये कभी राष्ट्र था ही नहीं. राष्ट्र के लिए क्या जरूरी होता है. एक रेस होनी चाहिए. वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए. एक भूमि होनी चाहिए. एक मजहब आपका एक धर्म होना चाहिए. एक भाषा होनी चाहिए. आप में तो कुछ भी नहीं है. आप कभी राष्ट्र थे ही नहीं.
तो इसलिए जहां 1947 में मांग की गई कि हिंदुस्तान को मजहब के नाम पर आप दो भागों में डिवाइड करो, लेकिन वहीं कम्युनिस्ट की ओर से मांग की कि 13 से अधिक भागों में डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ तो हर स्टेट और हर जो कल्चर है वो एक अलग राष्ट्र है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जिस भी इतिहास से स्व के प्रति अभिमान जगता हो उसको नकारा गया, लगातार नकारा गया, जिसने उसकी बात की उसको फ्रिंज कहा गया। आप और मैं सभी 2014 से पहले फ्रिंज थे, आज अगर आप अपने आप को मेन स्ट्रीम कहने का दुस्साहस करते हैं तो सभी के सभी फ्रिंज थे। मुझे ध्यान है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी एंशियंट कल्चर इन इंडिया का कोर्स, जो मनमोहन सिंह जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी उपेंद्र कौर पढ़ा रही थी, उसने उस कोर्स को बनाया था पूरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के कोर्स के। उसमें पढ़ाया जा रहा था कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, लक्ष्मण और सीता जी के अनैतिक संबंध थे, लक्ष्मण लंका के शयन कक्षों में रात को विचरा करते थे। व्हाट नॉनसेंस, ये सब पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, हमने उसके लिए केस फाइल कर दिया। जैसे ही केस फाइल किया तो चारों ओर से आवाजें आनी शुरू हो गई कि दिस इज तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दिस इज सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैपनिंग, हाउ कैन यू क्वेश्चन इट। अच्छा, हमने अपनी लीगल रेमेडीज को अवेल किया था, हम चाह रहे थे कि सही बात सामने आए, जो ऑब्जेक्शनेबल पोर्शंस है वो रिमूव कर दिए जाए, लेकिन वी वर ट्रीटेड एज फ्रिंज पीपल हु आर नॉट वेलकम हियर। ये लोग मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, ये अजीब सी बात कर रहे हैं, ये क्या हिंदू हिंदू होता है, क्या ये रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, यानी वो सब चीज़ें तो कहीं जुदा थी हमारे शासन से भी, प्रशासन से भी, सिलेबस से भी, एकेडमिक से भी। लेकिन अल्टीमेटली वी वर सक्सेसफुल, उस पूरे जो कोर्स मटेरियल के ऑब्जेक्शनेबल पोर्शंस हैं उसको हम रिमूव करवा पाए थे, हम जीत गए कोर्स में। अल्टीमेटली लड़ाई लड़ते लड़ते हम जीत गए, बहुत सी और लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ भी कैसी कैसी, आज सोचते हैं तो बचकानी लड़ाइयाँ थी, हमें लड़ना पड़ रहा था इस कांग्रेस कम्युनिस्ट रेजीम से, ये कहते हुए कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय ये एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट और ये मिलिटेंट्स नहीं है, कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स, और शासन प्रशासन आकर अपोज कर रहा था कि नहीं नहीं व्हाट वी आर सेइंग इज राइट, और ये सब कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। मुश्किल से महापुरुषों को उनकी स्व का स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, आज तक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि शासन तो बदल गया, प्रशासन तो आज तक वही है। तो इस सब की ओर जब आप जाते हैं ना, और आप देखते हैं कि चांदनी जैसे लोग ये दिखा रहे हैं कि रीक्लेमिंग ऑफ टेम्पल्स, आई थिंक शी इज राइटिंग द फर्स्ट चैप्टर टूवर्ड्स रीक्लेमिंग ऑफ आर कल्चर एंड आवर सिविलाइजेशन। टेम्पल्स क्या है? दे आर फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर कल्चर, ऑफ आर सिविलाइजेशन। कि हम हिंदू हैं, हिंदू के नाते इस पूरी धरती का कण कण हमारे लिए पवित्र है, हम उसकी पूजा करते हैं, ये हमारे देवता का स्थान है। मुगलों ने देवता के स्थान को श्रद्धा के स्थानों पर अटैक किया, चाहे वो महिला हो चाहे वो मंदिर हो, उन्हीं पर अटैक किया। उनको जब हम रिक्लेम करने की बात करते हैं, यानी हम अपने स्व के अभिमान की बात करते हैं, हम अपने कल्चर को रिक्लेम करने की बात करते हैं, सिविलाइजेशन को रिक्लेम करने की बात करते हैं, और ये केवल हमारे लिए, सभी के लिए आवश्यक नहीं है, सज्जन शक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, ये भारत के लिए आवश्यक है, इस दुनिया के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने आज तक तीन तरह की कहानियाँ सुनी हैं, जैसे नोवा हरारी अपने हर स्पीच में कहते हैं ना, मैंने अपनी जब किताब की बात करता हूँ तो किताब में द सेपियंस में मैं कहता हूँ चिंपैंजीज की बात करता हूँ, साथ में बात करता हूँ कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन टेल देयर साइड ऑफ द स्टोरी, दे कैन टेल देयर स्टोरीज, दे कैन क्रिएट स्टोरीज, दे कैन टेल स्टोरीज, दे कैन मोटिवेट अदर्स एंड कन्विंस अदर्स ऑन देयर स्टोरी। तो इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने अपनी कहानियों के ऊपर दुनिया को कन्विंस किया है। आज आप देखिए दुनिया को कन्विंस करते हुए इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने अफगानिस्तान से लेकर स्विट्जरलैंड तक, स्वीडन तक, फ्रांस तक, कहां तक अपनी स्टोरीज के ट्रेलर्स नहीं दिखा दिए। और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया जो है वो दो में डिवाइडेड है, बिलीवर्स में और नॉन बिलीवर्स में डिवाइडेड है। आप कुछ भी बात हमारे कल्चर के बारे में कहेंगे, हमारी कहानी के विरुद्ध बोलेंगे, आपको रहने का हक नहीं है। इस्लामिस्ट की स्टोरी सबने सुनी है, माओवेस्ट की
स्टोरीज सबने सुनी है, वो कंबोडिया में सुनी है, वो कोरिया में सुनी है, वो चाइना में सुनी है, वो रशिया में सुनी है। करोड़ों लोगों को समाप्त कर दिया गया इस कहानी के लिए कि केवल मेरी किताब, केवल मेरा प्रॉफिट यानी माओ या मार्क्स, केवल मेरी आइडियोलॉजी और किसी को सर्वाइव करने का हक नहीं है। इसलिए दुनिया को अब भारत की स्टोरी बताने का समय आ गया है। भारत की स्टोरी शुरू होती है मंदिरों से, बट वी हैव टू रिक्लेम आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन। भारत की कहानी बताइए, और भारत की कहानी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बयान कर देता है। हम बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया दैट इज भारत। यह हम सबके दो नाम तो नहीं है, मोनिका के, चांदनी जी के, अंकुर जी के, आशीष जी के, प्रफुल्ल जी के दो नाम नहीं है, गौड़ा के दो नाम नहीं है, पर भारत के दो नाम किस लिए हैं? वो इसलिए कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया तो आज पैदा हुआ है, जैसे आपने कहा ना कि भारत को समझना है तो भारत ही कहिए, इंडिया से ध्यान में नहीं आएगा। इंडिया तो नवजात शिशु था ना 1947 में। इसके महापुरुष कौन थे, इसके दादा दादी कौन थे, इसके नाना नानी कौन थे, ये कहाँ से प्रेरणा लेता था, वो देखना है तो भारत को देखिए। और भारत क्या है? भा यानी प्रकाश, रत मतलब सीकर्स, जो उस प्रकाश की खोज में लगे हुए हैं। इट्स अ लैंड ऑफ सीकर्स, जो ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगे हुए हैं, ऐसे हैं भारत के लोग। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल आधार होता है, फंडामेंटल बेसिक फीचर्स होते हैं, ऐसे भारत के भी मूल आधार हैं। और भारत के मूल आधार क्या है, मैं अगर 5 आधारों की बात करूँ तो पहला आधार है ईशावास्यम इदम सर्व, यानी कण कण में भगवान है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। इसलिए अंकुर जी में वही ईश्वर है जो चांदनी जी में है, जो मुझ में है, जो किसी सिख भाई में होगा, किसी जैन भाई में होगा, किसी मुस्लिम में होगा, किसी कृष्ण में होगा, सब और वही ईश्वर विद्यमान है। तो इसलिए मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसी से आर्टिकल 14 आता है हमारे भारत का, जो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद दूसरा जो हमारे भारत का मेन प्रिंसिपल है, वो कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी ईश्वर एक है लेकिन विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यानी आप राम कहो, आप अल्लाह करो, आप जीसस कहो, आप नानक कहो, क्या अंतर पड़ता है, सब रास्ते उस ईश्वर के पास ही तो जाते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल भारत का अगर जान लेते तो दुनिया में जो ये संघर्ष है और ये आतंकवाद है, ये समाप्त हो जाता। जो दुनिया में द्वैत देखने का है ना, मी वर्सेस यू, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स, यू डोंट बिलीव इन माय बुक, यू डोंट बिलीव इन माय प्रॉफिट, आई हैव एवरी राइट टू कन्वर्ट यू और किल यू, यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, तो ये भेद खत्म हो जाता अगर भारत को जान जाते, भारत के इस प्रिंसिपल को जान जाते कि ईश्वर एक है और उस तक जाने के अलग अलग मार्ग हैं। तीसरा, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, हम सभी एक रिश्ते से बंधे हुए हैं, इसलिए मत भेद हो सकता है पर मन भेद नहीं हो सकता, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुगेदर। चौथा, जीवन का उद्देश्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, यानी फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस। और ये जो सुख है ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं है, ये जीव जंतुओं के लिए है, ये एनिमल्स के लिए है, ये सभी ग्रहों के लिए है, समुद्र के लिए है, ये हवा के लिए है, इहलोक के लिए, परलोक के लिए, सभी सुखी हो, एवरीबडी हैज अ राइट टू बी हैप्पी, ये कल्चर, ये प्रिंसिपल बताता है। और आखिरी प्रिंसिपल जो मेरे हिसाब से इसका है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ, तत्त्वम असि, तुम भी तो वही हो, यानी मैं ईश्वर हूं तो तुम शैतान हो ऐसा नहीं है, मैं ब्रह्म हूं तो तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। और यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वो इस पूरे ब्रह्मांड में है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं भारत के, अगर ये कहानी भारत को हम बताएंगे, इफ वी नो आर ओन सिविलाइजेशन, आर ओन कल्चर, ये बात हम दुनिया को बताएंगे तो ये संघर्ष समाप्त, ये जो लड़ाई झगड़ा है ये खत्म हो जाएगा, और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा लेट द स्टोरी ऑफ भारत बी टोल्ड। आज आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, जो एक समस्या हम सबके सामने आ रही है ना, हम उन्हें कहते हैं कि आप खराब हो, बट हु आर वी, हु वी आर, उसका जवाब हम लगातार अपने आप से खोजते हैं।
तो हम वो भारत की संस्कृति के अनुयायी हैं जो इन प्रिंसिपल्स में बिलीव करती है, जो मानती है कि हम सब एक हैं, हम सब दिव्य हैं, हम सब भव्य हैं। इसलिए वो जो आइडियोलॉजी जिसने हमारे श्रद्धा केंद्रों पर अटैक किए, इस भारत के इस बेसिक प्रिंसिपल पर अटैक किया, सह अस्तित्व पर अटैक किया, वो जो पूरी आइडियोलॉजी थी उसने हमारे महिला पर अटैक किया, हमारे मंदिर पर अटैक किया। और जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, जहाँ जहाँ महिलाओं को बंद किया गया और जहाँ जहाँ मंदिर हटे, वहाँ वहाँ से हमारी कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन विलुप्त होता गया। कश्मीर में नहीं बचा ना। एक समय तक मैं कश्मीर गई, जब धारा 370 समाप्त हुई, आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, मैं एक फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर कश्मीर गई। वहाँ पर जिस टैक्सी में जा रही थी, तो वो टैक्सी वाले ने अजीब से गाने लगाए हुए थे, तो उसको मैंने कहा ये क्या गाने हैं। पहले उसने बताया नहीं, फिर उसने बंद कर दिया, अरे जी हमारे यहाँ गाने अलाउड नहीं हैं। मैं फिर उसके साथ लगभग 3 दिन तक फैक्ट फाइंडिंग करते हुए श्रीनगर में घूमी, तब मैंने देखा जगह जगह जो सिनेमा हॉल्स थे वो लिटरली बर्न्ड थे, या एकदम वो खंडरों के फॉर्म में थे। मैंने कहा ये तो 1990 से सब सिनेमा हॉल्स बंद हैं जी, यहाँ पर सिनेमा अलाउड नहीं है। तो आप देखिए, ये जब बातें आप सब देखते हैं, तो जो भारत की कहानी मंदिर और भारत जहां जहां से सिकुड़ता जाता है, वहां ह्यूमन राइट्स समाप्त होती जाती है, वहां सह अस्तित्व समाप्त होता जाता है, वहां इक्वालिटी, लिबर्टी, वहां डिग्निटी समाप्त होती जाती है। रहता है तो केवल फासिज्म रहता है, रहती है तो इंटॉलरेंस रहती है। इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसी किताबें आए जो भारत की कहानी इंटेंट से भी बताएं, कंटेंट से भी बताएं, क्योंकि एक वी हैव टू रीक्लेम आर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नॉट फॉर आवरसेल्व्स ओनली। हम तो अपने राम के साथ खुश हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, हमने पेड़ों की पूजा शुरू कर दी। वो कहते हैं पेड़ उखाड़ कर फेंक देंगे, हमने अपने घर में हाथ जोड़कर पूजा शुरू कर दी, पत्थरों की पूजा शुरू कर दी। वो कहते हैं तुम्हारी पत्थर को तोड़ देंगे, हमने आँख बंद करके अपने ईश्वर के मन के अंदर पूजा शुरू कर दी। तो हम तो अपने जो संस्कृति सभ्यता है उसको अपने में तो समाये रखेंगे ही, लेकिन ये संस्कृति सभ्यता आवश्यक है स्ट्रॉन्ग भारत के लिए, और एक स्ट्रेंथन भारत आवश्यक है इस दुनिया में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए। भारत की कहानी बतानी आवश्यक है इस पूरी दुनिया को शांतिमय बनाने के लिए। वही एक तरीका है, दूसरा तरीका तो है ही नहीं। जब तक द्वैत का सिद्धांत रहेगा, जब तक ये रहेगा मी वर्सेस यू, जब तक ये रहेगा कि ऑल इंडिया बाबरी एक्शन कमिटी, हमें यहाँ रहने का हक है। बाबर किस सभ्यता को वो सिंबलाइज करता था, वो सभ्यता जो इतनी जगह होते हुए भी उसको राम मंदिर ही तोड़ना था। लोग कहते ना हॉस्पिटल बना लो, हम लोग गए वहां पर देखने अयोध्या, जो जो गया होगा, जब राम मंदिर जो पुराने अपने उस फॉर्म में था जाकर देखा होगा, चारों ओर खाली जगह थी। अयोध्या में भी उसके आसपास खाली जगह थी, बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें 3 गुंबद बने हुए थे। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बाबर को वही जगह मिली, उसको तोड़ना है, साथ में मस्जिद बना लेता। नहीं, उसको तोड़ना है, जमीन की जगह की कमी नहीं है, उसको तोड़ना है, इस सभ्यता संस्कृति की रीढ़ को तोड़ना है, और ये दिखाना है एक ही संस्कृति है, सह अस्तित्व की संस्कृति जो कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक तो ये खड़ी है राम मंदिर के नाते, एक मेरी संस्कृति है जो कहती है ओनली माय प्रॉफिट, ओनली माय बुक, ओनली माय कस्टम्स। इफ यू डोंट बिलीव इन माय प्रॉफिट एंड माय बुक, यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। इसलिए आप कन्वर्ट कर दिए जाओगे, आप समाप्त कर दिए जाओगे, यू हैव नो राइट टू बी देयर। ये जो बाबर की संस्कृति थी, ये वो संस्कृति है जो टेररिज्म की ओर जाती है। तो आज कौन सी संस्कृति बचेगी, ये हमें देखना। आज जो आपने मंदिरों की बात की, ये मंदिर इसलिए नहीं तोड़े गए थे कि यहाँ जगह की कमी थी हिंदुस्तान में, ये इसलिए तोड़े गए थे कि ये जो सह अस्तित्व था, जो भारत की संस्कृति थी, इस पर कुठाराघात करना था। हम फिर उठ खड़े हो रहे हैं, हमें जो क्या सैफरन टेररिस्ट कहा गया, हमें हिंदू टेररिस्ट कहा गया, और होम मिनिस्टर्स ने कहा, हमारे यहाँ के एजुकेटेड होम मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा, पुलिस, स्टेट पुलिस चीफ्स की कॉन्फ्रेंस ने कहा, ठीक है बाकी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट यू हैव टू डील विद हिंदू टेररिज्म।
हमारे हिंदुस्तान के क्राउन प्रिंस ने कहा, लश्कर ए तैयबा तो ठीक है बट वी हैव मोर एप्रीहेंशंस टुवर्ड्स हिंदू टेरर, अमेरिकन्स को कहा ये बात। तो ऐसे समय को भी हम झेल गए हैं, अब तो बहुत अच्छा समय है, अब तो समय सोशल मीडिया पे का है, जो सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी पिक्चरें आती हैं और जब उनको IMDb पे एक स्टार मिलता है ना तो उनको उनकी हैसियत ध्यान में आ जाती है। ये तो कंप्लीट डेमोक्रेटाइजेशन का समय है, ऐसी डेमोक्रेटाइजेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कारण क्या है कि सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म्स थे वो कैप्टिव थे, राइटर्स का प्लेटफॉर्म कैप्टिव था, पब्लिकेशंस का प्लेटफॉर्म कैप्टिव था, आपके टेलीविजन मीडिया का प्लेटफॉर्म कैप्टिव थे, ऐसे हिस्टोरियंस ऐसे राइटर्स चांदनी जैसे वो लिखना शुरू करते तो मटेरियल कहाँ से लाए, लिखेंगे तो पब्लिकेशन कौन करेगा, होगा तो लॉन्च कौन करेगा, करने के बाद किताब लेगा कौन, पढ़ेगा कौन, आज वो समस्या नहीं है। आप लिखेंगे और गौड़ा जैसे लोग छापेंगे और आशीष जी प्रफुल्ल जैसे लोग आएंगे, लोग खरीदेंगे उस किताब को। तो इसलिए चांदनी जी आप लिखते रहिए, जैसा कहा ना प्रफुल्ल जी ने, इस राष्ट्र के यज्ञ में आप अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग अपना अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। आने वाली सदी भारत की सदी है, ये समय हमारा शुरू हो चुका है। और कौन कह रहा है ये कम्युनिस्ट का इस्लामिस्ट का आतंक बढ़ रहा है, हमसे पूछिए जो इनको रोज झेलते हैं। JNU के सारे केसेस में सामने मैं ही खड़ी होती हूँ, स्टैंडिंग काउंसिल फॉर JNU। अभी मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि मैरिटल रेप केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां सरकार की ओर से मैं खड़ी हूँ उस केस के अंदर। और वो केस ये कह रहा है कि रेप इज रेप, और अगर हस्बैंड बिना कंसेंट के वाइफ पे सेक्सुअल अटैक करता है दैट शुड आल्सो बी लेबल्ड एज रेप। अगर वाइफ ऐसा कहती है इमीजिएटली हस्बैंड को 10 साल की सजा होनी चाहिए। उन बच्चों का क्या जो इस सेक्सुअल इंटरेक्शन से पैदा होंगे, वो रेप के प्रोडक्ट हो जाएंगे। उस फैमिली सिस्टम का क्या, उन लड़कों का क्या, लड़के आजकल कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, यानी ये जो आघात है ना ये तो कब से चले आ रहे हैं, पहले मंदिरों पे थे अब आइडियाज भी और आइडियोलॉजी के ऊपर है, ये चले आ रहे हैं। पर आपको रोज अंकुर जी इसको झेलते हैं, आशीष जी झेलते हैं, प्रफुल्ल जी झेलते हैं, रोज इनको झेलते झेलते आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर ने यही काम आपको और हमें दिया है। We are best at it. This is our default position. If we don't do it, we can't survive. तो ईश्वर ने चांदनी जी आपको चुना है, ऐसी सुंदर किताबें बनाने के लिए आपको चुना है, ऐसी किताबें लिखते रहिए। और आपकी किताब देखकर मुझे धर्मपाल जी की ब्यूटीफुल ट्री ध्यान में आ रही थी कि जब वहाँ ब्रिटेन में गए महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी ने कहा देखिए सच अ ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इट हैज बीन Removed by the Britishers. Britishers ने कहा क्या बात करते हैं, हमने तो आपको एजुकेशन दी, लेकिन गांधी जी ने कहा था आपने हमें निरक्षर बना दिया। तब उन्होंने धर्मपाल जी को कहा कि आप ब्रिटिशर्स ने भारत को निरक्षर बनाया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। 25 साल तक ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ कर उन्होंने ब्यूटिफुल ट्री और ऐसा पूरा कंपाइलेशन लिखा। उसे भी यही है, पहले 100 पेजेस में लगभग वो लिखते हैं और साथ साथ पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या कहा उस समय, क्या कहा, कितने स्टूडेंट्स थे, अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट्स थे, कितने टीचर्स थे, अलग अलग कास्ट के टीचर्स थे, क्या पढ़ाते थे, कंटेंट क्या था, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, सब कुछ लिख कर रख दिया कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों स्कूल थे यहाँ पर। तो ये जो फैक्ट बेस्ड किताबें होती हैं ना, ये आगे जाकर दिखाती हैं कि हम जो कह रहे हैं वो किसी तथ्य के ऊपर बेस करके कह रहे हैं, तुम्हारी तरह नरेटिव की किताबें नहीं रख रहे हैं। सो लेट अस बस्ट देयर फॉल्स नरेटिव विद हार्ड फैक्ट्स। इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगी कि 1000 साल की दास्तां है, अमृत महोत्सव का तो हम पर्व मना रहे हैं, प्रफुल्ल जी पूरा ज़बरदस्त अंक ला रहे हैं उसके ऊपर, अमृत महोत्सव के अंक के ऊपर जिसकी हम वेट कर रहे हैं। तो इस पूरे पर्व में जहाँ 1000 साल की दास्ता रही है, अब तो टाइम आया है रिजॉइस करने का, आप जैसे लेखकों के साथ रिजॉइस करने का। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें,
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनिका जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रफुल्ल केतकर जी का, आशीष कौल जी का, मोनिका जी का, चांदनी जी का और हमारे दर्शकों का जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना। और जाने से पहले मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, रिक्लेमिंग हिंदू टेम्पल्स, इसकी लेखिका है चांदनी सेन गुप्ता जी, आप सभी लोग इस पुस्तक को खरीदें। यह पुस्तक garudbooks.com पर, Amazon पे, Flipkart पे और आपके निकट के बुक स्टोर पर उपलब्ध है। इसके विषय में अधिक से अधिक लोगों को बताइए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताइए, पत्रकार हैं तो उसका रिव्यू करिए। जिस भी रूप में आप इस समाज में सेवा कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन इस महत्वपूर्ण विषय के लिए अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।